वन एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर बैच एंड एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर बैच। आज हम जो 7/4/2020 को ऑनलाइन सेकेंड टेस्ट लिया था, इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों का कुछ अपने अपने प्रॉब्लम्स हमसे पूछे, मैं उसी का आंसर आज हम दे रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंट का इसमें क्वेश्चन नंबर वन को सबसे पहले हम देखेंगे, जिसमें मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इस प्रश्न में मटेरियल वेरिएंस ज्ञात करते समय देखेंगे कि यह सिर्फ मटेरियल वेरिएंस निकालने कहा गया है, इसके अंतर्गत हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इन सभी को ज्ञात करेंगे। इसके अलावा क्योंकि प्रश्न में प्रोसेस लॉस का प्रश्न नहीं है यहाँ पर, अतः यहाँ पर हम मटेरियल सब यूज वेरिएंस की भी गणना करेंगे, यानी कुल मिलाकर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूज वेरिएंस। अब हम इस प्रश्न में जो 10 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर बताया गया है, जो टोटल 10 यूनिट्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो दिया गया है, और एक्चुअल मिक्स से एक्चुअल प्रोडक्ट का वो 90 यूनिट्स का दिया गया है। कहने का मतलब प्रश्न में 10 यूनिट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो प्राप्त किया जाता है और एक्चुअल मिक्स से एक्चुअल प्रोडक्ट जो 90 यूनिट प्राप्त होता है, अतः सबसे पहले 90 यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन के आधार पर 90 यूनिट का स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिक्स ज्ञात करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करने का तरीका मटेरियल यहाँ दो तरह के दिया गया है, एक मटेरियल एक्स यूनिटी मेथड से देखेंगे, जहाँ 10 यूनिट्स बनाने में एक्स मटेरियल 60 यूनिट लगता है, तो एक यूनिट बनाने में हमारा 60/10 यूनिट लगेगा, इसलिए 90 यूनिट, चूंकि एक्चुअल 90 निकल रहा है प्रोडक्शन हमारा, 90 यूनिट बनाने में क्या लगेगा, तो 60 × 90/10 = 540 यूनिट्स निकल जाएगा। इसी तरह से मटेरियल वाई, चूंकि यहाँ पर भी 10 यूनिट्स बनाने में वाई मटेरियल 80 यूनिट लगता है, इसलिए एक यूनिट बनाने में 80/10, इसलिए 90 एक्चुअल बनाने के लिए 80 × 90/10 यानी 720 यूनिट्स लगेगा। अब हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन वन के हिसाब को देख करके, तो अब हम एक फॉर्मेट में इस प्रश्न को तैयार कर लिया हमने। मटेरियल यहाँ एक्स और वाई लगा है दो तरह का, जिसमें स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स के लिए 60 और 80 यूनिट दिया गया है, लेकिन हमें एक्चुअल बनाना है 90 यूनिट्स, इसीलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 90 यूनिट्स कितना लगेगा, इसके लिए हम पहले से जो कैलकुलेशन किया है 540 एक्स का और 720 वाई का, वह लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर 90 यूनिट्स बनाने के लिए, और उसका रेट जो दिया गया है स्टैंडर्ड प्राइस 15 पैसे और वाई का 0.20 यानी 20 पैसे, कैलकुलेट कर देंगे तो कॉस्ट आएगा 81 और 144। एक्चुअल 640 यूनिट दिया हुआ है और एक्स का और 960 है वाई का, रेट यहाँ पर 0.20 वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 144 एक्स और वाई का कॉस्ट आ गया, टोटल 272 यूनिट्स, टोटल 1600 एक्चुअल में, टोटल हमारा 225 अमाउंट है और 1260 स्टैंडर्ड यूनिट है। अब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की गणना करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच के अंतर को हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करते हैं।
अब पहले एक्स मटेरियल में क्या है लगा, तो एक्स के अनुसार इसमें सबसे पहले क्वांटिटी स्टैंडर्ड हमारा है 540, स्टैंडर्ड प्राइस है 0.15, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 640 और एक्चुअल प्राइस वह है 0.20। इस प्रकार कैलकुलेट करने पर 81 माइनस ये 128, इससे माइनस करेंगे तो 128 गुना करने के बाद आएगा, और घटाने के बाद हमारा जो निकला है यह है ₹47। यह हमारा अनफेवरेबल निकला क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में, इसलिए हमारा यह 47 अनफेवरेबल हुआ यह एक्स के कारण और एक्स मटेरियल में। और वाई में हमारा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 720 यूनिट इंटू 0.20, ये इसका प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी हमारा 960 है और एक्चुअल प्राइस 0.15 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइनस 144 यानी इजकल टू ₹0 या नील, कुछ नहीं इसमें, न फेवर है ना अनफेवर। कहने करते हैं कि दोनों का कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट बराबर ही आता है 144 यहाँ, इसलिए यह हमारा नील है या ना तो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ₹47 हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस अनफेवरेबल निकल जाएगा। अब मटेरियल प्राइस वेरियंस बराबर स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारा एक्स में स्टैंडर्ड प्राइस हमारा जो दिया गया है वह 0.15, एक्चुअल प्राइस 0.20 और एक्चुअल क्वांटिटी 640 दिया हुआ है। घटाने के बाद 0.05 इंटू 640 यानी टोटल ₹32 ये हमारा अनफेवरेबल आया क्योंकि हमारा एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है स्टैंडर्ड प्राइस की तुलना में, जब ज़्यादा होता है वो अनफेवरेबल कहलाता है ये। उसी तरह से वाई का निकालेंगे, वाई में उसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वह 0.20 माइनस एक्चुअल प्राइस है 0.15 इंटू क्वांटिटी जो दिया हुआ एक्चुअल हमारा वह 960 है, माइनस करने पर घटाने के बाद आएगा 0.05 इंटू 960 इजकल टू 48, यह हमारा फेवरेबल निकल गया क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल प्राइस कम लगता है 0.05 की तुलना में, एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ 0.20 है और एक्चुअल प्राइस हमारा 0.15 है, यह अंतर 0.05 का कम लगने के कारण 960 क्वांटिटी के कारण यह मेरा 48 फेवरेबल निकल आया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल ऐड करने पर ₹16 यह हमारा, चूँकि अनफेवरेबल कम है और फेवरेबल ज़्यादा है, यह हमारा फेवरेबल निकल गया प्राइस में। थर्ड मटेरियल यूजेज वेरियंस, इसमें इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्स का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 540 लगा, एक्चुअल क्वांटिटी 640 लगा। अब स्टैंडर्ड प्राइस वह 0.15 था एक्स में, घटाने पर हमारा आता है 100 इंटू 0.15 यानी ये जो निकल गया हमारा गुना करने के बाद वह 15, यह हमारा अनफेवरेबल निकलता है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लगने के कारण यह हमारे लिए अनफेवरेबल हुआ। वाई में देखेंगे, वाई में हमारा लगता है 720 माइनस 960, यह हमारा क्वांटिटी है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमारा है 0.20, यहाँ घटाएंगे तो 240 इनटू 0.20 बराबर 48, यह हमारा अनफेवरेबल ये भी निकल गया क्योंकि यहाँ भी हमारा एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है वाई में भी, जिस तरह से एक्स में ज़्यादा लगा वाई में भी ज़्यादा लग रहा है, तो टोटल हमारा 63 अनफेवरेबल निकल गया। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, टेस्ट इजकल टू MCV मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस बराबर मेटेरियल प्राइस वेरियंस प्लस मेटेरियल यूजेज वेरियंस। मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस हमारा जो निकला था उस समय
वह प्राइस वह फोर कितना है तो 47 था रुपीज कैची में अनफेवरेबल में, यह बराबर होता है यहाँ पर रुपीज 16 यह फेवरेबल था मेरी प्राइस में और मेरी यूजी में 63 यह अनफेवरेबल है, दोनों को ऐड करेंगे तो यह 47 आएगा। फोर्थ मटेरियल मिक्स वेरियंस, चूंकि प्रश्न में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन यूनिट 1260 है और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन यूनिट 1600 है जो बराबर नहीं है, अतः स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन यूनिट को एक्चुअल क्वांटिटी इन यूनिट के बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक वह कि मटेरियल मिक्स वेरियंस हो चाहे मटेरियल सेविज वेरियंस हो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करते समय हमेशा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनपुट के आधार पर लेना है। यहाँ पर कैलकुलेशंस पहले करके रख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुना टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बटे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी वह इनपुट कर लेते हैं। इनपुट यहाँ भी आउटपुट जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का है तो वो भी इनपुट का है। इनपुट इसके आधार पर अब हम एक्स का और वाई का गणना कर लेते हैं। पहले यहाँ पर एक्स का जो दिया हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 540 दी हुई है, टोटल हमारा 1260 दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट का, जबकि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 1600 दिया हुआ है इनपुट में। कुल कैलकुलेशन के आधार पर 685.7 यूनिट निकलेगा। ये अप्रॉक्स में हम लोग ले रहे हैं क्योंकि पूरा नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन पॉइंट में जा रहा था। वाई इजकल टू 720 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 1600, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1260 है, यहाँ पर भी 914.3 यूनिट, ये भी अप्रॉक्स में करीब आता है, तो मिला करके एक कैलकुलेशन से हो जाता है, ये टोटल 1600 निकल आएगा। अब मटेरियल मिक्स वेरियंस कैलकुलेट करेंगे, यह बराबर होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इन टू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्स का हमारा इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांट 685 कैलकुलेट करके जो हमने रखा था और एक्चुअल क्वांटिटी 640 है, घटा देंगे इन टू स्टैंडर्ड प्राइस 0.15, घटाने पर जो आएगा यह 45.7 इंटू 0.15 इजकल टू 6.86 यह निकलेगा। यह हमारा यह फेवरेबल निकल रहा है क्योंकि स्पष्ट है कि यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज़्यादा है और एक्चुअल क्वांटिटी कम है। एक्स का वाई का वाई में भी हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड 914.3 लग रहा है और एक्चुअल 960 यानी माइनस करने पर हमारा 45.7 एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है, 0.20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.14 यह हमारे लिए अनफेवरेबल हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर यह 2.28 यह अनफेवरेबल हुआ। पांचवा मटेरियल सब यूजेज वेरियंस, यह स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। सबसे पहले एक्स का निकालेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा 540 था और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 685.7 है इनटू 0.15, घटाने के बाद 145.7 इनटू 0.15 यानी रुपीज 21.86 यह हमारा अनफेवरेबल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिवाइज स्टैंडर्ड ज़्यादा लग रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के तुलना में, तो यह हमारे लिए अनफेवरेबल हुआ। वाई वाई में भी देखेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 720 है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 914.3 और उसका स्टैंडर्ड प्राइस 0.20, माइनस करने पर 194.3 आएगा इनटू 0.20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.86 यह भी हमारा अनफेवरेबल है, क्योंकि यहाँ भी रिवाइज स्टैंडर्ड ज़्यादा लग रहा है
एक्चुअल ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तुलना में अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 60.72 ये होता है अनफेवरेबल। अब इसका टेस्ट देखते हैं, टेस्ट क्या है, मटेरियल यूजेज वेरियंस बराबर होता है मटेरियल मिक्स वेरियंस प्लस मटेरियल सब यूजेज वेरियंस। तो मटेरियल यूजेज वेरियंस हमारा जो है वह 63 था उस समय जो अनफेवरेबल था, और यह हमारा मटेरियल मिक्स वेरियंस 2.28 यह भी अनफेवरेबल है, ये रुपीज में दिया हुआ है, प्लस मटेरियल सब जो रुपीज 60.72 यह भी अनफेवरेबल है, ऐड करेंगे इतना 63 निकल जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे।